assertion and reason question, we have to see the four things. First option होती है assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of the assertion. एक option ये हो गई. Second option होती है assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. ठीक है. तीसरी assertion is true, reason is false. Fourth assertion is false, reason is true. Getting my point? अब पहला अगर मैं question I am saying कि gold is used to make jewellery और reason मैं उसका दे रही हूँ कि it has a shine, मतलब lustrous in nature. It is lustrous in nature. दोनों correct statement है. That's why वो jewellery के काम आ रहा है. ठीक है. तो both are correct and reason is the correct explanation of the assertion. यहीं पे अगर मैं कह रही हूँ कि gold is used to make jewellery and reason मैं दे रही हूँ कि gold is a metal. वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ज्वेलरी के लिए. रिक्वायरमेंट क्या है? शाइनी अपीयरेंस, लस्ट्रस. ठीक है ना? गेटिंग? हाँ जी. तब भी नॉन रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, वो उसकी एक प्रॉपर्टी बता रहा है. आप देखो ऐसे तो मतलब अगर हम देखें तो नीचे आके हमारे पास जो लीस्ट रिएक्टिव रिएक्टिव मेटल्स रह जाते हैं कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन के नीचे कॉपर भी लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द, बट वी आर नॉट यूज टू मेक द कॉपर ज्वेलरी. नो डाउट आर्टिफिशियली वी आर यूजिंग इट समवेयर, है ना? बट जो उसकी एक आइडेंटिफिकेशन मतलब उसका क्लियर कॉन्सेप्ट दे रहा है, दैट इज डिपेंड कि आपकी ऑप्शन क्या है. इस बार वाले क्वेश्चन में क्या था? असर्शन रीजन में क्या था? इस बार स्क्वेयर एपिथीलियम वाला था, कुछ स्क्वेमस एपिथीलियम, और उसी के साथ ही उसका किया हुआ था कि दैट आर ड्यू टू द फ्लैट सेल्स एंड ऑल दैट. तो बोथ आर करेक्ट. ठीक है. एक आपको केस स्टडीज हम करेंगे. इस बार आपको टेस्ट में आइडेंटिफिकेशन डाली थी, इवन म्यूकस शो भी करा हुआ था. तो ऑल ऑफ यू नो कि वहां पे म्यूकस क्या गॉबलेट सेल, यानी कि हमने कहां पे बनाया? एक में ही बनाया, दैट इज द ग्लैंडुलर. आइडेंटिफिकेशन शुड बी देयर. गेटिंग में पॉइंट? आइडेंटिफिकेशन आ सकता है आपको, लेबलिंग आ सकती है. मतलब इवन इन द एमसीक्यूज, इफ आई विल से इवन इन द एमसीक्यू अगर मैं बात करें तो लेबलिंग में वी कैन गिव यू द ऑप्शंस की ए बी सी डी ये हैं, है ना? उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं हम उनको. सो यू हैव टू सी कि ए कौन सा है, बी कौन सा, सी एंड डी. गेटिंग में पॉइंट? सो दीज क्वेश्चंस विल कम. ठीक है. So let's start with the today's work. Chalk. क्या कर रहे थे हम? Striated and unstriated muscles we had discussed. Diagram we had discussed. Third one is third we were discussing animal tissue. In animal tissue we already had discussed epithelium tissue and after that we were discussing about the कौन सा स्टार्ट करा था हमने एनिमल टिश्यू के बाद? हमारा मस्कुलर टिश्यू. इन मस्कुलर टिश्यू वी हैड डिस्कस द स्ट्राइटेड एंड द अनस्ट्राइटेड. एनिमल टिश्यू में मस्कुलर tissue, in this muscular tissue the third one is cardiac muscular tissue. Cardiac we already discussed. Cardiac kahan hote hain? Heart, right? That are your that is under your control, hai? Control mein nahi hai. That is involuntary, right? वो हमारे control में, that is not, that will not work under our wish, या हमारे according they will not work. So what are the features? As we had made the striated में, जैसे हमने बनाया था कि striated में dark and light bands are present. In this यहाँ पे intercalated disc, the special name is given there, intercalated disc. So we will make it, but before that write down the structure. What happened? क्या हुआ? राइट डाउन लाइट एंड डार्क बैंड्स स्ट्रक्चर.
light and dark bands are present. In this case also nucleus is present, so these are uninucleated. यहाँ पे एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड. ठीक है, दीज आर ब्रांच्ड स्ट्राइटेड. हमने ब्रांच बनाए थे, स्ट्राइटेड वर ब्रांच और अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड. ठीक है, दीज आर ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल. राइट, लिखो लिखो. फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. Write down muscles. Next point, muscles filaments are connected by a muscle filaments are connected by dark bands. So muscle filaments hain, these are connected by dark bands या dark junctions called intercalated disc. मैं लिख रही हूँ, are called intercalated disc. Dark junctions intercalated disc. A name is given to the dark band junctions in cardiac muscles that is called intercalated disc. These are impulse booster. यहाँ पे इसी को ही ना ऐसे करके लिख लो. बूस्ट करना हार्ट के मसल्स है ना, दे विल बूस्ट टू डू द फंक्शंस लाइक दैट. की इंटरकैलेटेड डिस्क जो उसको फंक्शंस के लिए हेल्प करते हैं. है ओके, लोकेशन कहाँ है, राइट डाउन द लोकेशन. हार्ट प्रेजेंट इन हार्ट, नहीं नहीं लोकेशन, लोकेशन हेडिंग लोकेशन हो गया ना, स्ट्रक्चर वी हैड डिस्कस्ड, नाउ लोकेशन. फंक्शंस क्या करेंगे, व्हाट इज द मेन फंक्शन, वर्किंग लाइक दैट हेल्प टू वर्क रैपिडली. ठीक है, उसको पूरा काम करने में हेल्प करेगा, कार्डियक मसल्स हेल्प इन द वर्किंग ताकि वो रैपिडली अपना काम करते जाएं. और आप कह सकते हो कि मतलब सिर्फ अपने आप को पंपिंग ऑल दैट, दे विल हेल्प इन द फंक्शनिंग फॉर द वर्क प्रॉपरली सो दैट द हार्ट जो है दिस विल वर्क रैपिडली. राइट डाउन, स्पेल गलत करे ना, कंट्रैक्शन लाइक उसमें प्रॉपर वर्किंग. डायग्राम
पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, डार्क एंड लाइट बैंड्स. ठीक है, यू कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो, ये इररेगुलर होते हैं. वी कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो. ऐसे भी बना सकते हैं. वी कैन ऑल्सो ड्रॉ लाइक दिस. मैं इसको और तरह से भी बना रही हूँ. आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू इन द बोथ द वेज. Like this, you can make like this. You can make like. दोनों तरह से. जैसे मैंने वहां पे इस तरह से कर दिया है, यहाँ पे मैं, हाँ, ठीक है. तो I'm just showing. Now we are saying they are having the dark and light points like so intercalated disc. These are having intercalated disc. इसी तरह से you can make it like here. अगर आपने ऐसा बनाना है तो ठीक है. Okay. Second point हमने क्या लिखा था, uninucleated, that is the single nucleus. So draw. इरेगुलर है, ब्रांच है, वो हमने बात कर ली. सिलेंड्रिकल, यूनि न्यूक्लिएटेड, इंटर, वो नेटवर्क हो गया ना. इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग द इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क. सो दीज आर द ब्रांच दैट इज कॉल्ड द इंटरकनेक्टेड डिस्क. जितने पॉइंट्स वी हैड रिटन, मैंने सारे आपको उसी के हिसाब से हमने बना लिए. अब लेबलिंग इसकी कर लो एंड वो बना लो, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड. लेबलिंग, दीज आर कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, न्यूक्लियस. ओके, ये मैंने इसलिए बनाया बिकॉज इन सम ऑफ द बुक्स यू विल सी लाइक दिस. तो कंफ्यूज नहीं होना हमने, ठीक है. इट्स जस्ट दे आर शोइंग लाइक इन दिस वे. Done. Show me. Gurpal. Show me. Gurpal, you are just wasting your time. ठीक है. हो गया ये वाला. Now we will discuss two. We discussed one is the epithelium, second is the muscular, third is the connective tissue. Connective tissue. Write down. Anji Japji, unmute yourself. Ma'am, आपने second function का answer करवाया था cardiac muscular tissue का. Rhythmically ना, it works rhythmically, मतलब work rapidly. ठीक है. Third is. हाँ जी, कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव वर्ड अपने आप ही बता रहा है, कनेक्शन. ठीक है, कनेक्टिव मीन्स देयर इज सम कनेक्शन. किस किस के बीच में? स्किन एंड मसल.
द कनेक्शन बिटवीन द स्किन, जो हमारे ऊपर स्किन है और जो मसल्स बीच में, जैसे हम इसको आगे पीछे कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, लाइक वी आर एबल टू मूव आवर लिम्स लाइक दिस, तो किसके बीच में कनेक्शन है? हमारी स्किन और मसल्स. ठीक है, वर्ड इटसेल्फ टेल्स देयर इज अ कनेक्शन, यानी कि कनेक्टिंग मींस कनेक्टिंग द टू थिंग्स, टू सर्फेसेस, वन इज द स्किन एंड द मसल. सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट हियर, कनेक्टिंग लेयर. Connecting layer, connecting layer or cementing layer between skin and पॉइंट क्लियर है. पहला कनेक्शन यानी कि कनेक्टिव, दैट इज द कनेक्टिंग लेयर या सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स. राइट, अब इसका जो सबसे सेकंड मेन पॉइंट है, लूजली अरेंज्ड. दीज आर, इसमें जितनी भी चीजें हम बनाएंगे, दीज आर लूजली अरेंज्ड. राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इसको अंडरलाइन कर लेना प्लीज. नहीं, मैं बताती हूं किसको अंडरलाइन, इसको, क्योंकि वी विल डिस्कस. एक इसमें ये लूजली अरेंज्ड होता है, एक और होता है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू अंडरलाइन दिस वर्ड लूजली अरेंज्ड. फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड, और हम इसमें लिखेंगे जो इसके फाइबर्स हैं वो लूजली अरेंज हैं अगर इसके अंदर, तो फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. इसके जो फाइबर्स होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. एक इसमें होते हैं थिक फाइबर्स, एक होते हैं थिन फाइबर्स. मतलब ये दो तरह के फाइबर्स से बना होता है, वन इज थिक फाइबर्स एंड अदर वन इज थिन फाइबर्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट लिखो अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. नंबर ऑफ सेल्स आर अरेंज्ड इन पॉइंट्स. क्लियर है, पहला क्या करा हमने, कनेक्टिंग लेयर और सीमेंटिंग लेयर कहां पे, स्किन एंड मसल. सेकेंड फाइबर्स, यानी कि उसमें क्या प्रेजेंट है, फाइबर्स, दीज आर लूजली अरेंज. फाइबर्स कितनी तरह के हैं, टू टाइप्स, थिक फाइबर्स एंड थिन फाइबर्स, एंड देन द अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ द सेल्स. एक और पॉइंट लिखेंगे, ईच फाइबर अराइजेस फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ द सेल. ये जितने भी फाइबर्स हैं, मैं बताती हूँ, ड्रॉ करेंगे ना, देन आई विल एक्सप्लेन. ईच फाइबर अराइजेस from a special type of cell called fibrocytes or fibroblast. Special type of cells, ठीक है, type of cell called fibrocytes or fibroblast. आपकी बुक में दोनों वर्ड्स गिवन है, फिब्रोसाइट्स एंड फिब्रोब्लास्ट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, अनदर टाइप ऑफ द सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट अनदर टाइप ऑफ सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट विच आर फैगोसाइटिक इन नेचर. Another type of cells are present phagocytic, phagocytic in nature.
फैगोसाइटिक इन नेचर जिसको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस, इसका नाम है फैगोसाइटिक इन नेचर का जो नेम है उसको हम बोलते हैं, मैं यहां लिख रही हूं, मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, दे एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स, मीन्स बॉडी के अंदर जितने भी फॉरेन यानी कि जो बीमार करेंगे जो बियर एंड टीयर है, इट विल एनगल्फ दीज फॉरेन पार्टिकल्स। इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, दे हेल्प टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो फंक्शन में वी कैन राइट दीज टू पॉइंट्स ऑल्सो, ही हेल्प्स टू एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स एंड सेकेंड इंक्रीजेज आर इम्यूनिटी। क्योंकि ये जितने आपकी बॉडी में देखो दीज सेल्स जो हार्म कर रहे हैं हमारी बॉडी में, नेचुरली इफ दे आर प्रेजेंट इन आर बॉडी तो हम बीमार होंगे, यानी कि हमारी इम्यूनिटी क्या हो गई, वीक हो गई, हल्की सी डस्ट हुई, एलर्जी या स्नीजिंग स्टार्ट, दैट मीन्स आर इम्यूनिटी इज वीक। तो वट दीज सेल्स विल डू, दे विल एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स सो दैट इंक्रीज आर इम्यूनिटी, सो दैट अगर हमारे सामने कोई चीज आई है तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो टू फंक्शंस भी मैंने साथ में बोल दिए, वन टू इंक्रीज द इम्यूनिटी और द इम्यूनिटी बीज बूस्टर एंड सेकेंड एनगल्फ फॉरेन मटेरियल्स, राइट। अब डायग्राम करते हैं, एक और फंक्शन लिखो, फंक्शन कह रही हूँ, एक और पॉइंट लिखो और इसमें क्या प्रेजेंट होता है। MAST मास्ट सेल्स आर प्रेजेंट, MM हाँ, अनदर एक और तरह के भी टिश्यूज सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं मास्ट सेल्स। ठीक है जी, अब ये मास्ट सेल क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मास्ट सेल। किसी की आवाज आ रही थी, हाँ जी है, क्या करते हैं, सेम क्रिएटिंग इम्यूनिटी, दीज आर ऑल्सो इंक्रीजेज आर इम्यूनिटी। ठीक है, उसी के साथ ही लिख लो इंक्रीजेज इम्यूनिटी। हाँ, दीज आर प्रेजेंट, हम उसी के साथ है अगले पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, एंड उसके साथ ही लिख लो इंक्रीजेस इम्यूनिटी। ठीक है जी, इसके अलावा ऑल दीज सेल्स, ये सारी चीजें जो हम बना रहे हैं मैक्रोफेजेस, फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, मास्ट सेल्स, दीज आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। राइट डाउन, ऑल दीज सेल्स आर प्रेजेंट, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स। जहां आप यूज कर रहे थे ना वर्ड साइटोप्लाज्म एंड ऑल दैट, या हम जैसे यूज करते हैं, तो जितनी भी अब ये सारी चीजें हैं दीज आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स का क्या मतलब है, व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब डायग्राम बनाओ। हाँ, बिलो द स्किन, लोकेशन लिख लीजिए, बिलो द स्किन, इन बिटवीन द मसल, स्किन एंड द मसल्स कह सकते हो या बिलो द स्किन कह सकते हो, यू कैन राइट प्रेजेंट इन बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स और बिलो द स्किन। ठीक है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होंगे, बिलो द स्किन बनाइए, ये यू हैव टू मेक वन बॉक्स। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, वो हो गया, सेकंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज। ठीक है, अब हमने क्या बात करी कि फाइबर्स आर लूजली अरेंज, उसके अलावा अगला पॉइंट क्या बोला था, फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, लुक हियर, फाइबर्स आर loosely arranged, it's not like that कि इनकी कोई है, you can draw in any pattern, ठीक है, these are thick fibers I made, loosely arranged, दूर दूर है, right, one is thin,
इसमें बहुत खिचड़ी नहीं पकानी, बिकॉज बट वी सेड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड. ठीक है जी. एक थिक बना लेना, एक को डबल कर ले. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप बोलोगे पॉइंट, हम वही करते जाएंगे. नंबर ऑफ सेल्स वो भी हम बनाएंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज दिस पॉइंट? ईच फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ अ सेल कॉल्ड फिब्रोसाइट्स और फिब्रोब्लास्ट. अब ये देखो, हर ये जो फाइबर्स है, दीज अराइजेस फ्रॉम स्पेशल सेल फिब्रोब्लास्ट. अब जब आपने इसके ऊपर ये जो मोटा सा जैसे हमने बनाया थिक, इसके ऊपर आप इस तरह से ये बनाओ फिब्रोब्लास्ट. ये देखो ना, ये ऐसे लग रहा है ना कि यहां से निकल रहे हैं. मतलब यू विल नॉट मेक इन द फ्लूइड, फ्लूइड में नहीं बनाओगे. हमने पॉइंट लिखा, ईच फाइबर अराइजेस फ्रॉम द सेल. यहां से अराइज करता दिखाएंगे कि इट इज लाइक दिस, इसके ऊपर, राइट? ईच फाइबर अराइजेस फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड फिब्रोसाइट्स और फिब्रोब्लास्ट. बना लिया, एक आधा और बना लो. हाँ, शो ये हो गया. ऐसे है इसके शेप लाइक दिस, यहां से ऐसे शो हो रहा है कि ये चीज ऐसे निकल रही है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे? दीज आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस. दैट मीन्स दीज आर ऑल्सो लाइक दिस, बट दीज आर नॉट फॉर द फाइबर्स. दीज आर द मैक्रोफेजेस. Right, one we made it on the fibers, one we made it random in the matrix, tissue of a fluid, fluid of a tissue. Tissue का जो fluid है, that is called matrix, उसके अंदर. और अगला point, masked cells are present. Make the masked cells like this. Masked cells are present. If the masked cells are present, that means some blood vessels are also present. ठीक है, बस ये डायग्राम करते हैं. मेक ब्लड वेसल्स. इसको शो अरेंजमेंट हो गया ना, अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स शो कर दिया. जो ब्लड वेसल्स हैं उसको डबल लेयर बना दो टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू. ठीक है, लेबलिंग क्या हो गई? थिक फाइबर्स, थिन फाइबर्स, मास्क सेल, ये कौन से थे? फिब्रो साइट्स और फिब्रोब्लास्ट. दीज आर ब्लड वेसल्स. एंड ये जो बीच में है, these are macrophages, and you will make a fluid that is called matrix. Yes, matrix. Nahi. Okay. क्लियर है बेटे? फंक्शन रह गए, वो कल डिस्कस कर लेंगे. हाँ, जस्ट वो अराइजेस फ्रॉम दैट, दैट मींस दैट इज, हाँ, दैट विल ऑन द अबव. सो लेबलिंग में वी कैन आस्क ना कि लेबल दिस वन, आपको करेक्शन आ जाए. सो दीज आर द फिब्रोसाइट्स. व्हाट आर दीज? मैक्रोफेजेस.